नंबर 10, दोस्तों जिस प्रकार फिल्मों में दिखाया जाता है कि क्लोरोफॉर्म सूंघने के 5 से 7 सेकंड में व्यक्ति बेहोश हो जाता है, लेकिन क्या आपको पता है असल ज़िंदगी में क्लोरोफॉर्म सूंघाने के बाद बेहोश होने के लिए 5 मिनट का समय लगता है। नंबर 9, कीड़ों की प्रजातियों में बम्बल बी मधुमक्खी सबसे ऊंचाई पर उड़ सकती है। ये 30,000 फुट तक ऊंचा उड़ सकती है, जो कि सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है। नंबर 8, क्या आपको पता है फिनलैंड एक ऐसा देश है जिसमें व्यक्ति को अपना फ़ोन दूर फेंकना होता है, और जो सबसे दूर फेंकता है वह विजेता बन जाता है। ड्राइस फेरेमेंस के नाम फ़ोन को सबसे दूर फेंकने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि फ़ोन को 110 मीटर और 40 सेंटीमीटर दूर फेंका था। नंबर 7, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ एंटी मैटर है, जिसकी 1 ग्राम की कीमत 62.5 ट्रिलियन है, और 1 ग्राम एंटी मैटर की ताकत एक परमाणु बम जितनी होती है, जो पूरे शहर को ख़त्म कर सकती है। नंबर 6, जापान के स्टोमो यामागुची एक ऐसे बिजनेसमैन थे जो 6 अगस्त 1945 को कुछ बिजनेस के सिलसिले में हिरोशिमा गए हुए थे, और अमेरिका ने वहां पहला परमाणु हमला कर दिया था जिसमें बहुत लोग मर गए थे, लेकिन स्टोमो यामागुची बचने वालों में से एक थे। इसके बाद जब वो घर आए तो 3 दिन बाद नागासाकी में फिर से परमाणु हमला हो गया, और जिसमें बहुत तबाही हुई और बहुत से लोग मारे गए, पर इसमें भी वह बच गए थे। इस तरह दोनों परमाणु हमलों से बचकर वह फेमस हो गए थे। नंबर 5, 1 अप्रैल 2015 को BMW ने न्यूजीलैंड के अखबार में यह विज्ञापन दिया था कि अपने नज़दीकी शोरूम में किसी भी पुरानी गाड़ी को लेकर आएं और नई BMW लेकर जाएं। 1 अप्रैल होने के कारण उसे अप्रैल फुल समझा गया, लेकिन एक लेडी सच में वहां गई तो उसे BMW दे दिया गया। नंबर 4, क्या आपको पता है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में विटी कल्चर एंड इनोलॉजी नामक एक ऐसी डिग्री है जिसमें अंगूर से शराब बनाना सिखाया जाता है। नंबर 3, माउंटेन ड्यू जो आजकल बहुत लोगों का मनपसंद कोल्ड ड्रिंक है, लेकिन क्या आपको पता है 1940 में जब इसे बनाया गया था तो इसे कोल्ड ड्रिंक के तौर पर नहीं बल्कि शराब में मिक्स करने वाले मिक्सर के तौर पर बनाया गया था। नंबर 2, पेन के ढक्कन पर एक छोटा सा छेद आप सबने देखा होगा, लेकिन बहुत कम लोगों ने जानने की कोशिश की होगी कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन क्या आपको पता है अगर कोई बच्चा इसे निगल जाए तो उसके इलाज के समय उसे सांस लेने में तकलीफ ना हो, इसलिए भी होता है। नंबर 1, ट्विटर तो बहुत से लोग इस्तेमाल करता है, लेकिन क्या आपको पता है उसके लोगों में जो चिड़िया है उसका नाम लैरी है।